क्या आपको पता है जंगल का बेस्ट डैड किसे कहा जाता है? कभी देखा है ऐसी मछली जिससे निकलती है ऐसी लाइट जो न रुकती है न दिखती है? ऐसे ही पांच अजीब गरीब जानवर के बारे में आप जानेंगे इस वीडियो में। नंबर एक, दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाए जाने वाला सन बेयर एक छोटा सा जंगली जानवर है, जिसके बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि वे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में अपनी गतिविधियों को शुरू करते हैं। इसके अलावा इनके पास एक मुखिया होती है जो उन्हें मधुमक्खियों, मछलियों, मकड़ियों, फल, पत्ते और कीड़ों से भरपूर भोजन देता है। इनका वजन 27 से 65 किलोग्राम तक होता है और इनकी ऊंचाई 70 से 150 सेमी तक होती है। इनके पास काले सफेदे रंग के बाल होते हैं जो उनके शरीर की रक्षा करते हैं। इनके पास भीड़ से दूर रहने की आदत होती है, लेकिन वे अपने माँ बाप, सुख दुख और फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं। नंबर दो, एक ऐसा जानवर जो जिराफ जैसा दिखता है लेकिन छोटा होता है। जी हम बात कर रहे हैं ओकापी के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम ओकापिया जॉनस्टोनी है। ओकापी के सिर पर ऑसिकोन होते हैं जो जिराफ के ऑसिकोन से अलग होते हैं। इसका रंग चॉकलेटी भूरे से लेकर काले भूरे रंग तक होता है और इसके पैरों और सिर पर सफेद धारियां होती हैं। ओकापी का वजन 200 से 300 किलोग्राम तक और ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। ओकापी मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाया जाता है। इसे अफ्रीकी यूनिकॉर्न भी कहा जाता है और इसकी खोज सबसे पहले 1901 में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने की थी। नंबर 3, आए ये एक ऐसा जीव है जो अपना जीवन वर्षावन के पेड़ों में बिताते हैं और धरती पर आने से बचते हैं और पत्तियों और शाखाओं के एक गेंद जैसे घोंसले में लिपटे हुए दिन बिताते हैं। आए केवल मेडागास्कर द्वीप पर पाया जा सकता है। ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं और एक झाड़ीदार पूंछ से पहचाने जाते हैं जो उनके शरीर से बड़ी होती है। उनकी बड़ी आँखें, पतली उंगलियां और बड़े संवेदनशील कान भी हैं। इनके बड़े पैर की उंगलियों को छोड़कर उनकी सभी उंगलियों और पैर की उंगलियों पर नुकीले पंजे होते हैं जो उन्हें शाखाओं से लटकने में मदद करते हैं। नंबर 4, मेंटिस श्रिम्प यह एक ऐसी झींगा मछली जैसा जीव है जिसके कई पैर होते हैं। इनकी करीब 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी प्रजाति के अधिकांश जीव करीब 10 सेंटीमीटर बड़े होते हैं और इन्हें पकड़ने की कोशिश करने पर ये डंक मारते हैं। और इनकी खासियत बात यह है कि अगर इनको अपने साथी से संवाद करना होता है तो इनके शरीर से एक खास किस्म की रोशनी निकलती है, रोशनी ऐसी कि आमतौर पर किसी दूसरे जीव को नहीं दिखती। नंबर 5, आज हम आपको बताने वाले हैं जंगल के जीवों के बेस्ट पापा के बारे में। हम बात कर रहे हैं ग्लास फ्रॉग के बारे में। कुदरत ने इसके शरीर को ऐसा बनाया है कि आप इसके आर पार देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमजोर सा दिखने वाला ये मेंढक ही जंगल का बेस्ट डैड है। ये मेंढक अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये अकेला बहुत सी मेंढकियों के अंडों की रखवाली करता है और ग्लास मेंढक का दिल बाहर से ही दिखता है। कोस्टा रिका या पनामा में इस तरह के मेंढक पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेंढक के सारे अंग आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं और फैक्ट्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए।